हेलो इंजीनियर्स, माय सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा आई एम वर्किंग एज अ सिविल इंजीनियर इन पुणे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट इन विच मंथ ऑफ ईयर यू हैव मोर चांस टू सेलेक्ट इन एन इंटरव्यू फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मेन क्या है कि आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि साल के किस महीने में आपकी इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, देखिए मेरा जो वीडियो रहता है, जो जेन्युइन मुद्दा है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, उस चीज़ पे रहता है। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो फ्रेशर इंजीनियर जो भी होंगे उसको रियली हेल्पफुल होगा, रियली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ज़रूर आप लोग इस चीज़ से सहमत होंगे मेरी बातों से। तो चलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो साल में, चूँकि ये जो साइट है, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, ये वेदर पर बहुत ही डिपेंड करता है। जैसा आपकी वेदर कंडीशन रहेगी, जैसा मौसम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चलती है। तो सीजनेबल काम होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी जब नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने होते हैं, जाहिर सी बात है जब नई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी तो वहाँ पे इंजीनियर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो मोस्टली जो नए साइट स्टार्ट होते हैं वो मार्च अप्रैल इस टाइम पर स्टार्ट होते हैं, फरवरी से साइट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये खास करके फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तीनों महीना ऐसा है, अगर इस चीज़ में ये तीनों महीना में आप अगर ट्राई करते हैं तो आपका चांस होता है ज़्यादातर सिलेक्शन होने का। और इसका रीज़न ये भी है कि एक तो सबसे ज़्यादा साइट वगैरह स्टार्ट होता है, सभी प्रोजेक्ट का साइट स्टार्ट होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, चाहे किसी भी तरह का ब्रिज हो, चाहे हाईवे हो, कुछ भी हो, तो उसमें स्टार्ट होता है। उसके बाद होता क्या है कि इसमें इंजीनियर्स जो है, खास करके ये टाइम पे होली आने वाला होता है कि जो भी उत्तर पूर्व पे होते हैं तो उनके लिए ये होली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग थोड़ा घर जाते हैं। प्लस में और भी बहुत सारा रीज़न है, देखिए ये सब रीज़न बहुत छोटी है लेकिन इफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्री पर, इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं रियल में बात करूँ, यहाँ पर मैं अपने साइड की ही बात करूँ, यहाँ तो दिख नहीं रहा हूँ। हाँ, जैसे देख सकते हैं पीछे साइट स्टार्ट हुआ है, फिर वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइट स्टार्ट हुआ है, फिर आप इधर देखिए यहाँ साइट स्टार्ट हुआ है, फिर उसके पीछे देखिए उधर साइट चालू है, फिर अगर आप इसमें देखेंगे दूर तक देखेंगे तो उधर भी एक साइट चालू हुआ है। यानी ये टाइम पे खास करके देखिए ये सब साइट जो है अभी बंद था लेकिन इस महीने में चालू किया है, तो ऐसा रहता है और इससे रियल में फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और हाँ, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे इंटरव्यू दें, जब फ्रेशर रहते हैं तो आपको कैसा इंटरव्यू देना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखिए मैं सारा चीज़ एक ही वीडियो में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, इसीलिए कि मेरी वीडियो मतलब ज़्यादातर रीच नहीं होती है, ज़्यादा आदमी तक पहुँच नहीं पाता है। तो अगर अलग अलग वीडियो में सारा चीज़ बताऊँ तो कभी कोई वीडियो किसी के पास पहुँचा, कभी किसी के पास नहीं पहुँचा, तो इसमें थोड़ा उनको नॉलेज नहीं मिल पाता है, जिसके लिए मैं एक ही वीडियो में ज़्यादातर साउंड नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ कि जो भी होता है मैं सबको बता दूँ। जब भी आप कहीं पे अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर घर पे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका मन होता है, अगर आपसे आपका अगर डिसीजन होता है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में एज अ प्राइवेट इंजीनियर काम करना है, तो आपको किसी बड़े शहर में जहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह चालू है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट चालू है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा देखिए इसमें एक सोशल मीडिया जो है, जैसे लिंक्डइन बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी फ्रेशर को, चाहे किसी भी इंजीनियर्स को जॉब लगाने में, क्योंकि उस पर होता है क्या, कनेक्शन बनते हैं, तो कनेक्शन बनने से ही ज़्यादातर इसमें जॉब लगने के चांसेस है। और इस पर खास करके मैं देखता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में ये जॉब प्रोफाइल सब पे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर लिंक्डइन यूज़ कीजिए, और जो भी सेलेक्टेड है, जो भी कहीं पर काम करें उससे रीच बनाए, उससे कनेक्शन बनाए, और उससे कनेक्टिविटी करके आप कहीं पर भी उसे बात कर सकते हैं, फिर वो ऐसे करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अगर मैं फिजिकली बात करूं तो जैसे ही आप किसी बड़े शहर में जाते हैं जहाँ पे साइट वगैरह चालू है, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना एरिया कहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके अगल बगल में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी रिज्यूम अच्छी सी बना लेनी है, और उस रिज्यूम को लेकर के आपको साइट पर जाना है। और वैसे नहीं कि साइट पर जा करके रिज्यूम रख के चले आना है, जैसे आप जाएंगे तो अगर पॉसिबल हो तो आप साइट इंजीनियर से ज़रूर मिलें, जो साइट इंजीनियर उस साइट को हैंडल कर रहे हैं उससे मिलें, बात करें कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ बात करेंगे आपसे। और उसके बाद अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो उसको आपको इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाएंगे, अगर नहीं होगी तो ज़रूर किसी को रेफर करेंगे और आप वहाँ जाकर के उसको, उसके थ्रू आप कहीं पे इंटरव्यू दे सकते हैं, सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सभी साइट पे जाएं, सभी जगह अपना रिज्यूम दें, इंटरव्यू वगैरह हो तो इंटरव्यू वगैरह दें, उससे क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है इंटरव्यू देने की। और इस लाइन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ही चीज़, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी रहेगी तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
इस लाइन में ही नहीं कहीं पे भी इस कॉन्फिडेंस दिखता है, और कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग ही आपकी देखिए कहा गया है योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, आपकी जो पहली इंप्रेशन है वही आपके लिए सब दिन के लिए माइंड में बैठ जाता है कि ये आदमी ऐसा है। ठीक है, तो इसके लिए यही सारी बातें हैं। बाकी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है, अगर रियली हेल्पफुल है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक। मैं तो ऐसा वीडियो बनाता नहीं हूँ कि ये वायरल करूँ चाहे कुछ भी, हाँ, लेकिन ये है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बात होता है कि आपका वीडियो मतलब इन्फॉर्मेटिव रहता है, और बहुत सारे दोस्त लोग जुड़े भी हैं मेरे से व्हाट्सएप से, इनको जो भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मैं उनको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ, मतलब अपने एज अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, और फिर उसी तरह धीरे धीरे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, इसीलिए मैं बनाता हूँ। चले बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।